हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल दिस इज किशोर चौहान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गुरु ऑफ अकाउंटेंसी डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस इलेवेंथ कॉमर्स में बहुत सारे बच्चों को इस वर्ड से परेशानी होती है उनको पता नहीं चलता है कि आउटस्टैंडिंग क्या है प्रीपेड क्या है so in today's session i am going to explain you what is outstanding expenses and what is prepaid expenses so let us begin without wasting your time first of all what is outstanding expense so dear student if you have not paid any expense that means if business has not paid any expense then it is known as outstanding expense अगर कोई एक्सपेंस पे करना बाकी है तो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड सी द वर्ड्स इटसेल्फ सेज दिस आर द एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव नॉट पेड दिस आर द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट तो आप सभी को पता है फाइनल अकाउंट हम साल के एंड में थर्टी फर्स्ट मार्च को बनाते हैं ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इफ एनी एक्सपेंस इज नॉट पेड देन इट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो से एग्जांपल, एग्जाम्पल इफ फर्म पेज रेंट रुपीज फाइव थाउजेंड पर मंथ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट हैज पेड रेंट फॉर ओनली इलेवन मंथ सो आउट ऑफ ट्वेल्व मंथ रेंट ऑफ ओनली इलेवन मंथ हैज बीन पेड सो दिस मीन्स रेंट ऑफ वन मंथ इज Outstanding, So rupees ₹5000 per month rent, so it is rupees outstanding for one month. Because firm has paid only for 11 month and there are total 12 month in a year. So one month rent is outstanding. So आप सब समझ चुके होंगे कि outstanding expense क्या है? Outstanding expense मतलब expense जो due हो चुका है, मतलब हमें pay करना है, पर हमने अभी तक pay नहीं किया है। वट इज एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो अब हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री की बात करते हैं एक्सपेंस पे करना बाकी है सो इट इज अवर लाइबिलिटी सो लाइबिलिटी विथ क्रेडिट एंड इट विल इंक्रीज अवर एक्सपेंस अमाउंट सो एक्सपेंस विल बी डेबिटेड सो एडजस्टमेंट एंट्री वुड बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट से फॉर एक्साम्पल इफ सैलरी रुपीज फाइव थाउजेंड इज आउटस्टैंडिंग

साल के एंड में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या इफेक्ट दी जाएगी तो फर्स्ट इफेक्ट वी हैव टू इन इन एक्सपेंस मे बी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट का या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उस एक्सपेंस में आप एड करोगे और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा Liability side in the balance sheet because it is our liability. So बच्चों आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि outstanding expense क्या है, उसके adjustment entry क्या होगी और उसको हम final account में क्या effect देंगे. Now we are moving towards prepaid expense. What is prepaid expense? नाम से ही बता चल जाता है कि कोई expense अगर हमने advance में pay कर दिया है प्रीपेड है तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाएगा एंड दैट्स व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर इन द करंट ईयर ओनली तो मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर 2019-20 है और हमने 2020-21 का कोई एक्सपेंस पे कर दिया है तो वो होगा प्रीपेड एक्सपेंस एज पर द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट वी हैव टू टेक इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ वन ईयर ओनली वी फॉलो द अकाउंटिंग पीरियड सो इफ एनी एक्सपेंस इज प्रीपेड दैट मीन्स इट इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर देन वी कैन टेक सो वी हैव टू माइनस दैट एक्सपेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंस पेड say for example if accounting year is 2019 20 and firm paid insurance premium of rupees 12000 on 1st october 2019 for one year so here our accounting year is 2019 20 that means it will start on 1st april 19 and will end on 31st march 20 now in this year what has happened on 1st october we have paid rupees 12000 insurance premium

30th September 2020, so here insurance premium is prepaid for six month, prepaid 6000 because 12000 is for 12 months, so 1000 for one month and it is prepaid for six month from 1st April 2020 to 30th September 2020. तो ऐसा कई बार होता है कि साल के beginning में हम expense pay नहीं करते हैं, वो expense हम in between the year pay करते हैं और वो 12 महीने का expense होता है। तो वो एक्सपेंस दो हिस्सों में बढ़ जाएगा थोड़ा करंट ईयर में आएगा थोड़ा नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा तो जो नेक्स्ट ईयर का है वो प्रीपेड है जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने फर्स्ट अक्टूबर को पे किया है बारह हजार एक साल के लिए अब ये एक साल हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी को खत्म नहीं होगा वो खत्म होगा थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी को इसका मतलब ये दो हिस्सों में बट गया बारह हजार छ हजार

टू एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है तो हम हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस में से उसको माइनस कर देंगे इसलिए उसको क्रेडिट किया हमारा एक्सपेंस उतना कम हो जाएगा तो एंट्री वुड बी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट से फॉर एग्जाम्पल इफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज प्रीपेड देन एडजस्टमेंट एंट्री वुड बी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट सिक्स थाउजेंड

तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा होगा टोटल अमाउंट पेड उसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड और दूसरा इफेक्ट उसका होगा ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस बिकॉज़ इट इज वन टाइप ऑफ असेट सो स्टूडेंट्स यू मस्ट इज पेड एक्सपेंस आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and please share this video with your friends so that they can also understand what is outstanding expense and what is prepaid expense i will again come with this type of small topic thank you